मुर्दा जानवरों की अंतड़ियों से आप बनाते हो ये तेल। खाना आपकी चूहे के कीमे से समोसे बनते हैं। कुत्तों और गधों को मटन में तब्दील कर सकते हो। असाधियां वैसे तो बहुत हैं। बहत्तर बरस आजादी के गलतियां हमसे किरण हुई। आपको लगता है कि हमने अपनी गलतियों से सीखा है और हम अब तरक्की का सफर जो है उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं और अब पहले से हालात बहुत बेहतर हैं? आप गलतियों से सीखना तो क्या है, आप खुद एक बहुत बड़ी गलती कर गए हैं। ये नफ्सियात है हमारी, बस मक्खी पे मक्खी मारते जाते हैं। जहाँ एक गोरों के हाथ से निकल के आप काले पीले नीले लोगों में आ गए, शायद आपको एक पूरा पाकिस्तान दे के गए थे, आधा गायब है। अच्छा, अदालत में जाओ, इंसाफ की जगह आपको तारीख लेने की आज़ादी है। कम से कम बच्चों के लिए इस मुल्क में चाइल्ड लेबर की आज़ादी है। ईंटों के भट्टों पे काम करते बच्चे, जो इसके इंतजार में हमारी बेटियों बहनों को बूढ़ा होने की आज़ादी है। थानों में चित्तर की तशद्दुद की तौहीन की आज़ादी है। अच्छा, अक्सरियत इस मुल्क की भारी तरीन अक्सरियत को इस बात की आज़ादी है कि एक मखसूस अकलियत को वोट दो, जिसे इलेक्टेबल्स कहते हुए शर्म भी नहीं आती हमें। वो आसमान से उतरे हैं, उनकी टांगें चार हैं, किसी की आंखें तीन होती हैं, जो बाप दादा से चले आ रहे हैं इस धंधे में। अच्छा, सरेआम रिश्वत हराम खाने की आज़ादी है। इस बात की भी आज़ादी है कि आपका एक वजीर आजम जो तीन बार वजीर आजम, मुझे तो शर्म आती है, वो सरेआम कह रहा है कैमरे के सामने कि अगर मेरे असासे मेरी आमदनी से ज्यादा है तो किसी को क्या। अच्छा, आज़ादी है करोड़ों पाकिस्तानियों को खते गुर्बत से रींगने की आज़ादी है। पर हम वो लोग हैं जो खते गुर्बत पावर्टी लाइन सुनते 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 बुढ़े हो जाते हैं, मतलब नहीं आता। खते गुर्बत पे रहने का मतलब ये है कि आदमी के पास अपना मुर्दा दफनाने के लिए ना बंदे होते हैं ना पैसे होते हैं, ये है खते गुर्बत। पढ़ते हैं अखबारों में तो आगे चलाए जाते हैं। अच्छा, कदम कदम पे मेरिट की अबॉर्शन है। जब से मैंने वो संभाला है, आटा आटा कर दी नहीं मैं आपे आटा हुई, यही हाल पहले था। अभी मैंने अपने प्राइवेट वो जो चैनल है वो उसमें पता नहीं रूप कौर या कोई इस तरह का नाम था खातून का, बॉम्बे से उनका सवाल था कि जी हमें इतने साल हो गए हैं आपके हालात भी देख के रोना आता है और लगता है हमारा ही अफ्रीका है, हमारा ही अक्स है। कि जश्न आजादी या जंगे आजादी, ये आजादी अजुबी नहीं है। एक बच्चा जो आज इस वक्त नोशकी मोशकी कोई बलूचिस्तान के या कोई इस तरह कोई रिमोट क्या अच्छे शहर में भी पैदा हो रहा है इस वक्त, और इसी वक्त एक बच्चा जो है वो उस किसी स्कैंडिनेवियन मुल्क में पैदा हो रहा है, वो पैदा होते ही 99% अली मुमताज साहब बाजी जीत चुका है। बिल्कुल, द मोमेंट ही इज बॉर्न ही इज अ विनर। और यहां जो बच्चा पैदा हुआ है, पैदा होते ही 99% बाजी हार चुका है। अच्छा, इतनी आजादियां अगर रेलवे खा गए, स्टील मिल खा गए, और PIA खा गए, और लोहे खा गए, आजादी है आपको। काम तोड़ने की भी आजादी है, कोई पूछने वाला नहीं है। जाली दुआएं बनती हैं, सुभान अल्लाह, बच्चों की खुराक जहर, मुर्दा जानवरों की अंतड़ियों से आप बनाते हो ये तेल। खाना खाना रमजान में करते हो जखीरा दोसियां, और सामान बेचते हो गरीब रोजादार को ब्लैक में, ये आजादियां आपकी। चूहे के कीमे से समोसे बनते हैं। कुत्तों और गधों को मटन में तब्दील कर सकते हो। आजादियां वैसे तो बहुत हैं। जमीर फरोश इंटेलेक्चुअल आपका, फतवा फरोश पेशावर मुल्ला आपका, इम्तिहानी मराकज आपके नीलाम होते हैं, जाली क्लेमों जाली जातों और जाली डिग्रियों से माशाल्लाह रौनकें लगी हैं। पता नहीं 2.5 करोड़ कितना, ये तो फिगर्स भी काबिल एतबार नहीं भाई। बच्चा स्कूलों से बाहर है, कुछ भी नहीं। आप वो लोग हो, पांचवें नंबर पे आपका बंदा है, आप वजूहात बयान कर रहे हो उसके आलात या जो भी थे वो जंग दादा थे फलाना, पांचवें नंबर पे है सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने मुंह पे चपेड़े मारो, तुम जवाब दे रहे हो तुम्हारे मत भेजो ना, तुम नहीं हो इस चुके इस पे, बजाय इसके निजाम शर्मिंदगी और प्रोटेस्ट हो, तुम हो हीरो आ गए, कमाल हो, जैसे हमें वैसे ही हमारे हीरो हैं वो। देखो भाई मेरे, हम वो लोग हैं जो हमें 100 साल पहले करना चाहिए था, हम आज भी नहीं कर रहे हैं। जो हमें आज करना चाहिए, हम 100 साल बाद भी नहीं कर रहे होंगे।
और याद रखना ये आजादियां दूंगियां तो जितनी बगलें बजानी है बना लो, आपने गुलामों से बदतर होना है, गुलामों से बदतर। गुलामों की किस्में हैं।